दोस्तों मेरे पीछे जो आप मकबरा देख रहे हैं, ये मकबरा उस अजीम शख्सियत का है जिसको आज इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया है। तो आज हम इसी मकबरे की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं और इस खूबसूरत इमारत के बारे में आपको पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों तो अब धीरे धीरे हम इस मकबरे के पास में आपको लेके चल रहे हैं और अंदर से इसकी खूबसूरती आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये दाहिने हाथ पर एक गोल छतरी नुमा ये डिज़ाइन बनाई गई है और ऐसी ही बाएं हाथ पर भी आपको एक डिज़ाइन मिलेगी और अंदर देख सकते हैं ये पूरी इमारत संगमरमर की बनी हुई है। तो ये मकबरा मसौली के बहुत ही फेमस एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनको हम रफ़ी अहमद किदवई के नाम से जानते हैं। तो ये इनकी मज़ार हैं, ये आप मज़ार देख लीजिए, ये असल मज़ार नहीं है, असल मज़ार इसके नीचे बनी हुई है। रफ़ी अहमद किदवई जी ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनको आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी जिन्होंने देश की बहुत सी सेवा की है। इनके बहुत सारे रोचक तथ्य हैं जिनको हम वीडियो में आपको आगे बताते रहेंगे। पहले आप इस मकबरे की खूबसूरती देख लीजिए, पूरी तरह से संगमरमर और लाल पत्थर का बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये दाहिनी तरफ का हिस्सा है। रफ़ी अहमद किदवई भारतीय राजनीति का वो सितारा जिसका जन्म 18 फरवरी 1894 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के एक छोटे से कस्बे मसौली में हुआ था। ये बच्चे बड़ी ही उत्सुकता से हमारे चैनल के बारे में पूछ रहे हैं, एक बार हाय बोल दो ऑडियंस को, क्या कहना चाहते हो, यहीं रहते हो ना, क्या नाम है? सैफ जी, कब से आ रहे हो यहाँ पे? बहुत साल से आ रहे हो। यहाँ खेलने का ग्राउंड वगैरह है? बचपन से। अच्छा, बहुत अच्छे। क्या करते हो? पढ़ते। किस क्लास में? सिक्स में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पे प्लेग्राउंड है। और आपको पीछे के साइड में हम दिखाना चाहते हैं कुछ और कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं, ये देख सकते हैं जो यहाँ के इन्हीं के खानदान की हैं। और ये जो रास्ता गया हुआ है आप यहाँ से देख सकते हैं, ये रास्ता जो असल मज़ार है वहाँ तक गया हुआ है लेकिन इसको लॉक किया हुआ है फिलहाल, अंदर की चीज़ें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। तो एक भाई के प्रयासों से हमें अंदर जाने में सफलता मिल रही है, तो भाई ने चाबी मंगवा दी है, तो हम देखते हैं अंदर, अंदर का नज़ारा आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये चैनल है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है और यहाँ पर भी तीन कब्रें हैं। अब इसमें ये तो नहीं बताई जा सकती कि कौन सी रफ़ी साहब की है, यहाँ पे चार कब्रें हैं, ये देख सकते हैं असल यही मज़ार हैं। अब इसमें से एक मज़ार उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की है जिसको भुला दिया गया है। ये अंदर का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। तो इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यही वो भाई साहब हैं जिनके प्रयासों से हमें अंदर आने का मौका मिला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
रफी अहमद 1935 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, बाद में यूपी सरकार में राजस्व मंत्री भी रहे, उसके बाद सूबे के गृह मंत्री भी बने। यूपी में विरोध हुआ तो नेहरू ने उन्हें दिल्ली बुला लिया। 1952 के चुनाव में बहराइच संसदीय क्षेत्र से विजयी हुए और देश के खाद्य एवं कृषि मंत्री बने। कहते हैं कि ये रफी अहमद का चरमोत्कर्ष था। जल्द ही वे उप प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाले थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और गिरते स्वास्थ्य के चलते 24 अक्टूबर 1954 को ये सितारा हमेशा के लिए डूब गया। पीछे बाग का हिस्सा है, देख सकते हैं, और कभी यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत गुलाब और गेंदे के फूल लगे होते थे। पास में ही एक फव्वारा है, उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये फव्वारा है जो बंद हो चुका है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर ना तो मौजूदा गवर्नमेंट और ना ही इससे पहले की गवर्नमेंट में इस ऐतिहासिक इमारत को सजोने की कोशिश की, और ये अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। आप कह सकते हैं बाराबंकी ज़िले में ऐसी खूबसूरत इमारत जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं, तो उसके ज़िम्मेदार हम सब लोग भी हो सकते हैं। आप इधर देख सकते हैं, ये कॉलेज, ये स्कूल है प्राइमरी, और बाकी ये ग्राउंड है जिसको अब लोग बच्चे खेल में और शादी ब्याह के मौके पर भी यहाँ पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा, हमने इस वीडियो में आपको बाराबंकी की मशहूर शख्सियत रफ़ी अहमद किदवई जी का मकबरा दिखाया है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।